हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको आज एमसीबी, आरसीबी और आरसीबीओ के बारे में फुल डिटेल्स देने वाला हूं। ये कैसे काम करता है और ये कहां पर लगता है, इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम बात करते हैं एमसीबी को। एमसीबी तो हमारे घर में, तो सबका घर में फिटिंग होता है। एमसीबी का फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और ये 6 एम्पियर से लेके 63 एम्पियर तक होता है। और इसका काम है, जो हमारा जो ओवरलोड होता है और शॉर्ट सर्किट होता है तो ये ट्रिप हो जाता है एमसीबी। हमारे घर में जितने लोड है हम उसके हिसाब से एमसीबी लगाएंगे तो ये सही से काम करेगा। अगर ज़्यादा वाला एमसीबी लगाएंगे एम्पियर का तो ये सही से काम नहीं करेगा, इसलिए सही वाला ही एमसीबी लगाइए। और हम अभी बात करते हैं आरसीसीबी का। आरसीसीबी ये आप स्क्रीन में देखिए कैसा दिखता है आरसीसीबी। आरसीसीबी का फुल फॉर्म रेसिस्टिवर करंट सर्किट ब्रेकर, और ये जो हमारा जो इलेक्ट्रिकल का अगर लीकेज होता है तो ये काम करता है, और ये शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड में ये काम नहीं करता है, ओनली लीकेज में ये काम करता है। ये आपको ध्यान में रखना है, आरसीसीबी का ये काम है। और आगे चलते हैं हम आरसीसीबीओ में। इसका फुल फॉर्म है रेसिडुअल करंट ब्रेकर विथ ओवरलोड प्रोटेक्शन। इसका काम भी हमारा जो एमसीबी के तरह ही होता है, लेकिन ये तीनों काम एक साथ करता है आरसीसीबीओ। इसका काम है जो हमारा ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट और लीकेज, ये तीनों काम करता है। अगर कहीं पर ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा तो ये ट्रिप होता है, कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो ये ट्रिप होता है, और लीकेज होगा तो ये ट्रिप हो जाता है। इसका तीनों काम है। आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन भी ऑन कीजिए, जबकि मेरा वीडियो अगर आएगा तो आप तुरंत देख सकते हो।